हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी। तो आज के हम हमारे शॉर्ट लेक्चर में, शॉर्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम से, पावर सिस्टम ट्रांसमिशन से। कुछ क्वेश्चन हमने जनरेशन से देख लिए, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस डेप्थ में आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उसकी प्रिपरेशन करिएगा। उसी टाइप से मैं कुछ ट्रांसमिशन के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो उनमें से पहला ट्रांसमिशन का क्वेश्चन ये रहा कि फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन विथ रेजिस्टेंस आर, कोई एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं पूरे ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसकी आर है, सर उसका रिएक्टेंस एक्स है और रिएक्टेंस के अंदर हम कह रहे हैं कि सर उसका नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस, मतलब उसमें हम लोग ने कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। द जनरेशन कॉन्स्टेंट ए इज, हमको जनरेशन कॉन्स्टेंट ए बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सभी टाइप के जो पैरामीटर्स हैं ए बी सी डी, और जो हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसमें कैसे कैसे करके सबका बिहेवियर रहेगा, टी मॉडल, पाई मॉडल है ना, सोर्स कंडेंसर, एंड कंडेंसर मेथड, ये सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपने इस DDAJEE बैच के DDAJEE एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा एक न्यू बैच अद्वैत एजुकेशन ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया हुआ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइन कोर्स है ये, जिसके अंदर हम आपका DDA बैच है जो कि सर रिकॉर्डेड लाइव बैच है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। वो सभी स्टूडेंट्स जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, अगर बी वाले आई थिंक एलिजिबल नहीं है, तो इस वजह से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका बन जाता है ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का, ठीक है। बाकी डिप्लोमा वाले किसी से कम नहीं होते, बहुत सारे एग्ज़ाम जो जूनियर इंजीनियर के रहते हैं बेसिकली डिप्लोमा वाले ही समझ पाते हैं कि सर हमको किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है, किससे ज़्यादा हमसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जिस तरीके की आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के आने की संभावना है, कैसा पेपर का पैटर्न वगैरह रहेगा, इस तरह चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम सभी ने आपके लिए DDA बैच को लॉन्च किया हुआ है। इस कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस था सर ना, वो था 6000 रुपीज़, बट ये 25th तक, इस मंथ की 25th तक आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर ये 6000 का कोर्स आपको केवल 2000 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी 25th ऑफ जून से पहले आप इसको 2000 रुपये में क्या कर लीजिए, इस कोर्स को बुक कर लीजिए, इस कोर्स में एनरोल हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम्स रहते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है इनका, और एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफिकेशन का वो एंड होगा, फॉर्म फिलिंग का टाइम एंड होगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, काफ़ी कम समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से आप लग जाइए, 25 जून से पहले कोर्स को बुक कर लीजिए। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है कि सर ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ है, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके अंदर आपके दिमाग पर जो भी डाउट है, जो भी क्यूरीज है, उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमको क्या कहता है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि सर फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन विथ रेजिस्टेंस आर, इसके अंदर सर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर है, रिएक्टेंस एक्स है और सर इसने कह दिया साफ साफ कि नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस है। इसने कहीं पे भी हमको क्या नहीं बताया सर, इसने ना हमको कहीं पे भी ये बात नहीं बताई कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, कि ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, हमको ये चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है और हम इस शॉर्ट ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे पता करते हैं, और अगर हमने डिस्टेंस वगैरह दिया होता तो हम तुरंत बता देते, लेकिन हमें यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया। लेकिन हमको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि सर डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, कुछ कम दूरी के लिए ही रहता है ये ट्रांसमिशन लाइन, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। बस आप इस पॉइंट से क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को पहचान सकते हो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सर क्वेश्चन में यहीं पर लिखा है, कहाँ लिख दिया सर, क्वेश्चन में लिखा है नेग्लिजिएबल कैपेसिटेंस, पर नेग्लिजिएबल कैपेसिटेंस के लिख देने के साथ ही आपको ये बात समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये बात कर रहा है केवल और केवल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की,
और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तक आपको समझ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, हमको याद आ गया, हमको समझ आ गया कि सर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब ये है तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट ए फाइंड करना है, क्योंकि जो सर हमारा ट्रांसमिशन लाइन रहती है ना उसको हम एबीसीडी पैरामीटर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर आपकी एबीसीडी पैरामीटर की बात की जाए तो ये ए, ये बी सी डी, ये भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि एबीसीडी पैरामीटर बताइए फॉर ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पाई पर पाई और मेथड टी वाला जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहता है, एंड कंडेंसर, सोर्स कंडेंसर, ये सब चीज़ों के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टी मॉडल, पाई मॉडल, इन सब वगैरह के लिए आपको याद रहना चाहिए। लेकिन अभी तो केवल किसके लिए है सर, अगर अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की अगर, तो ये जो रहेगा, ये रहेगा सर, इसकी होती है वैल्यू 1, इसकी वैल्यू होती है जेड, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो 1Z01 लिख सकते हो आप। अगर यही आप बना रहे होते मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए ना, यही आप बना रहे होते मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सर ये जो एबीसीडी पैरामीटर होता है, अगर आप कह रहे हो कौन सा, अगर आप कह रहे हो कि टी मॉडल के लिए, अगर आप कह रहे हो कि टी मॉडल के लिए, और वैसे ही अपना पाई मॉडल है, तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। पर एग्ज़ाम में आपके ये भी पूछा जा सकता है कि जब जो पाई मॉडल है, जो टी मॉडल है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, जो एबीसीडी पैरामीटर्स हैं, क्या वो रेसिप्रोकल हैं, क्या वो सिमेट्रिकल हैं, ये सब बातें भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सर अगर हम टी पैरामीटर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आता है 1 प्लस YZ/2, यहाँ रहता है B में Z, 1 प्लस YZ/4, यहाँ रहेगा Y और यहाँ रहेगा सर 1 प्लस YZ/2। सर ये रहता है किसके लिए, सर ये जो हम लोग ने लिखा है ये किसके लिए है, ये T मॉडल के लिए है। वही अगर हमको कोई बह दे कि आप मुझे किसके मॉडल के लिए बताओ, अगर आप चाहते हो कि मैं पाई मॉडल के लिए बताऊं, तो आपको पाई मॉडल के लिए भी तुरंत याद होना चाहिए, जो कि होता है 1 प्लस YZ/2, जेड वाई 1 प्लस YZ/4 और 1 प्लस YZ/2। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में ये पूरा ना पूछ के ऐसा बोल सकता है कि जो पाई मॉडल होता है उसका जो सी वाला पैरामीटर है, एबीसीडी का जो सी होता है वो क्या होता है, डी होता है, वो क्या होता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सर इनमें से कौन रेसिप्रोकल है और कौन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के लिए सर जो कंडीशन है एबीसीडी पैरामीटर के अंदर वो ऐसी है कि आपका ये a इज इक्वल टू d होना चाहिए। और वहीं अगर हमसे कोई रेसिप्रोकल की बात करे तो सर रेसिप्रोकल के लिए जो है हमारा ad डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि आपको a की वैल्यू दे दी रहेगी, c की वैल्यू दे दी रहेगी और बोल देगा जो हमारा सिस्टम है वो रेसिप्रोकल भी है, सिमेट्रिकल भी है, तो आप b की वैल्यू निकाल के बताओ। तो a और d बराबर होंगे और B की वैल्यू दी रहेगी, आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करिएगा, C की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा तो अभी जो मेन फोकस था वो कहाँ था सर, वो क्वेश्चन था हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे। तो हमने कहा कि सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या आ रहा है, ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, ए की वैल्यू 1 आ रही है, भले जेड की वैल्यू कुछ भी हो, जब तक हम लोग कैपेसिटेंस को इग्नोर करेंगे तब तक ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू ये रहेगी हमेशा फिक्स रहेगी, 1, 0 और 1 ही रहेगी। बस वैल्यू किसकी बदलेगी, तो सर जो बी की वैल्यू है ना वो डिपेंड करती है। बी की वैल्यू क्या हो सकती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे, इम्पीडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इम्पीडेंस में चेंज आएगा तो आपके बी की वैल्यू में चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन क्या करिएगा, कुछ इस तरीके से आप अपनी एग्जाम की तैयारी करिए।
सर यहीं पे अगर हमसे कोई कहे ना कि सर ये जो एंड कंडेंसर मेथड और सोर्स कंडेंसर मेथड होता है क्या वो भी रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल होते हैं क्या, तो नहीं सर, जो एंड कंडेंसर मेथड और सोर्स कंडेंसर मेथड होते हैं वो रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल दोनों नहीं होते, दोनों में से कोई एक होते हैं। और अब आप वो पता करिए कि वो रेसिप्रोकल होते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक होमवर्क हो जाएगा, साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि सर ए निकालना है, ए की वैल्यू क्या होती है, सर ए की वैल्यू वन आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो अगर इसी प्रकार से आप क्या करना चाहते हैं, पावर सिस्टम को और दूसरे सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इस DDA एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि आप सभी के लिए खासतौर पर DDA JEE का बैच अद्वैत एजुकेशन लेके आया है, जिसकी प्राइस है केवल 2000 रुपये, और ये 2000 रुपये की प्राइस आपको 25 जून तक ही मिलेगी, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप क्या करिएगा, किसी प्रकार का आपको डाउट होने से आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जल्दी से जल्दी क्लास में एनरोल करिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।